हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग सिंपल पास्ट टेंस पढ़ने वाले हैं सिंपल पास्ट टेंस यानी कि पास्ट टेंस का फर्स्ट पार्ट सिंपल पास्ट टेंस को हम लोग पास्ट टेंस डिफिनेट टेंस भी कहते हैं लेकिन फ्रेंड्स इन दोनों में बहुत ही डिफरेंट है मैंने पास्ट इंड पे वीडियो बनाया है तो आप देख सकते हैं जाकर मैं वीडियो पे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी वैसे सिंपल पास्ट टेंस बहुत लोगों को नहीं समझ में आती वो सिंपल पास्ट टेंस एंड पास्ट इंड डेफिनेट को एक ही समझ जाते हैं लेकिन आज ये प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी पास्ट इन डेफिनेट एंड सिंपल पास्ट टेंस में सिंपल पास्ट टेंस में फ्रेंड्स सिंपल सेंटेंस होते हैं मीन्स कि इसमें मेन वर्क नहीं होता उसमें मेन वर्क होता है आना जाना काम करना कुछ भी तो ये मेन वर्क होता है लेकिन पास्ट इन डेफिनेट किए हुई इसमें मेन वर्ब होता है यानी कि जो मेन क्रिया होती है लेकिन सिंपल टेंस में सिंपल सेंटेंस होती है जैसे कि वह मोटा था तुम पागल थे लाइक दैट मीन्स कि इसमें मेन वर्ब नहीं होता है कोई मेन कार्य नहीं होता है चलिए इसके बारे में और भी डिस्कशन करेंगे पहले इसकी आईडी जान लेते हैं कि इसकी आई क्या होती है हम कैसे पहचानेंगे कि ये सिंपल पास्ट टेंस है तो इसमें होगा नॉन या एडजेक्टिव था थे थी ये सब होंगे लास्ट में नॉन या एडजेक्टिव के बाद था थे थी होंगे या फिर नॉन या एडजेक्टिव होता था होती थी होते थे ये होगा तब आप जान जाएंगे कि ये सिंपल पास टेंस है इसकी और एक पहचान है कि इसमें आप पहले देखेंगे इसमें मेन कार्य हो रहा है या नहीं अगर मेन कार्य हो रहा है तो वो पास्ट एंड डेफिनेट टेंस होंगे लेकिन अगर मेन कार्य नहीं हो रहा है तो आपको ये क्या होंगे सिंपल पास्ट टेंस होंगे इसके स्ट्रक्चर होंगे सब्जेक्ट प्लस वाजवर प्लस नॉन या एडजेक्टिव तो सब सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि वाज़ और वर को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं वाज को कहाँ यूज़ करेंगे वर को कहाँ यूज़ करेंगे तो वाज़ हम यूज़ करेंगे ही सी इट नेम एंड थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ हम वाज का यूज़ करेंगे मतलब ही के साथ सी के साथ इट के साथ नेम के साथ एंड थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ हम वाज का यूज़ करेंगे वर कहाँ यूज़ करेंगे तो हम यू वी दे इट इसी ये सब के साथ हम वर का यूज़ करेंगे तो वाज कहाँ यूज़ करेंगे वर कहाँ यूज़ करेंगे ये आपको अच्छी तरह से पता हो गई आप इसलिए यूज़ कर सकते हैं इसे याद कर लीजिएगा कि कहाँ कहाँ यूज़ करना है चलिए एग्जाम्पल समझाती हूँ कि आप कैसे पहचानेंगे कि इसमें मेन वर मेन कार्य नहीं हो रहा है जैसे कि तुम पागल थे तुम पागल थे इसमें क्या आपको कोई कार्य हो रहा है कोई काम हो रहा है नहीं ना तुम पागल थे सिंपल सेंटेंस है तो ये हुई सिंपल पास्ट टेंस तुम पागल थे तो इसे हम कैसे बनाएंगे यू का तुम का यू यू के साथ मैंने बताया कि वर यूज होगा यू वर मैड तुम पागल थे वह बहुत मोटा था सिंपल सेंटेंस मोटा था इसमें मेन कार्य नहीं हो रहा कोई काम नहीं हो रहा है वह तुम वह बहुत मोटा था ही वॉज ही के साथ वाज ही वेरी फैट या फिर फैट ही वाज ही वेरी फैट ऐसे आप सिंपल सेंटेंस को बनाएंगे इसमें आपको मेन पॉइंट ये है कि इसमें मेन कार्य जो होता है मेन वर्क जो होता है वो नहीं होता है कोई कार्य नहीं हो रहा होता है सिंपल सेंटेंस की यही पहचान चाहे वो सिंपल प्रेजेंट हो सिंपल पास्ट हो या सिंपल फ्यूचर हो इसमें आपको मेन चीज़ यही याद रखना है प्रजेंट इन एंड सिंपल पास्ट में यही डिफरेंट है कि उसमें आपको मेन कार्य नहीं हो रहा था सिंपल पास्ट में सिंपल सेंटेंस में इसके निगेटिव को भी बना लेते हैं निगेटिव से भी समझ में आ जाएगी निगेटिव का बस इसमें आपको नॉट जोड़ देना है स्ट्रक्चर में यानी कि सब्जेक्ट प्लस वाज वर नॉट वाज वर प्लस नॉट प्लस नॉन या एडजेक्टिव एग्जाम्पल इसी से बना लेते हैं वह बहुत मोटा नहीं था वह बहुत मोटा नहीं था तो वह का ही हो जाएगा ही वाज नॉट वेरी फैट या सो फैट ही वाज नॉट वेरी फैट इंट्रोगेटिव भी बना लेते हैं इंट्रोगेटिव में बस आपको ये हेल्पिंग वर्व यानी वाज वाज़वर जो हेल्पिंग वर्व है ये आगे आपको कर देना है मैंने आपको पहले ही बताया है तो वाज वाजवर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉन या एग्जांपल एग्जाम्पल क्या होगा क्या तुम पागल थे क्या तुम पागल थे वर यू मैड क्या तुम पागल थे इसमें क्वेश्चन मार्क जरूर आपको लगाना है इंट्रोगेटिव इंट्रोनिगेटिव डब्लू डब्ल्यू एच अफॉर्मेटिव डब्ल्यू एच निगेटिव की बात अगर आती है तो आपको क्वेश्चन मार्क बिल्कुल भी नहीं भूलना है क्वेश्चन मार्क लगाना ही लगाना है अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपकी सेंटेंस पूरी तरह से गलत हो जाएगी इंटरनेगेटिव भी ऐसे ही बना लेंगे सिर्फ आपको इसमें नॉट लगा देना है यानी कि वज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस नॉन या एडजेक्टिव इसे कैसे बनाएंगे क्या वह बहुत मोटा नहीं था जैसे हम कुछ सोचते हैं और बोलते हैं कि कोई सेंटेंस जब हम बनाते रहते हैं या फिर हम कोई बोलता है कि वह बहुत मोटा नहीं था तो हम लोग बोलते हैं क्या वह बहुत मोटा नहीं था पूछने टाइम हम जो यूज़ करते हैं तो हम इसे बनाएंगे क्या वह बहुत मोटा नहीं था वाज ही नॉट सो फैट वाज ही नॉट वेरी फैट ऐसे क्वेश्चन मार्क डब्ल्यू एच एफॉर्मेटिव कैसे बनाएंगे डब्ल्यू एच एफॉर्मेटिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा बस इसमें आपको डब्ल्यू एच यूज करना है वाई विच वेन वेर ये सब जैसा आपको सेंटेंस में आएगा क्यों कैसे कब ये तो तो एग्जांपल होंगे आपके पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए डब्ल्यू एच प्लस क्वेश्चन प्लस वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉन एडजेक्टिव तो तुम क्यों पागल थे हम बोलते हैं किसी के किसी के लिए इंसान पागल हो जाता है फिर किसी कारणवश पागल हो जाता है तो हम ऑन दैट टाइम बोलते हैं इस कार्य को लेकर तुम क्यों पागल थे तुम क्यों पागल थे तो हम वहां पे सेंटेंस बनाएंगे इंग्लिश में वाई वर यू वाई वर यू मैड तुम क्यों पागल थे क्वेश्चन मार्क वाई वर यू मैड निगेटिव भी बस ऐसे ही बना लेना है बस आपको इसमें नॉट जोड़ देना है यानी डब्ल्यू एच प्लस क्वेश्चन प्लस वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस नॉन एडजेक्टिव इसमें आपको बा... तुम क्यों मोटे नहीं थे हम बोलते हैं कि किसी को हम बोल देते हैं तुम मोटे थे तो तो बोल देते तुम क्यों मोटे नहीं थे खाते पीते नहीं थे तुम क्यों मोटे नहीं थे वाई वर यू नॉट फैट तुम क्यों मोटे नहीं थे वाई वर यू नॉट फैट तुम क्यों मोटे नहीं थे क्वेश्चन नही मार्क ऐसे ही आपको सारे सेंटेंसेस में बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर बनाना है तो आपको तो आपको सारे टेंस का अच्छे से क्लियर होगा आपको टेंस क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स आपको टेंस बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी आप अगर सारे टेंस अगर पढ़ना चाहते हैं आपने नहीं पढ़ा है तो मेरे चैनल पे आप पढ़ सकते हैं मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी सारे टेंस का एंड स्पोकन एंड इंग्लिश से रिलेटेड ग्रामर से रिलेटेड सारे वीडियोस मैंने अपने चैनल पर ना पे पहले से बना रखा है अगर आपको देखना हो अपने स्पोकन से रिलेटेड प्रॉब्लम को दूर करना हो तो मेरे चैनल पे बने रहिए और जो मेरे और लिंक पे जा करके पढ़ सकते हैं नोट्स चाहिए हो आपको टेंस का सारा नोट्स चाहिए हो तो मैं नोट का भी लिंक दे दूँगी आप नोट कंप्लीट कर करके पढ़ सकते हैं तब तक के लिए टेक केयर बाय